आदरणीय किसान भाइयों नमस्कार, आपका YouTube चैनल में स्वागत अभिनंदन एवं वंदन। गन्ने में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। देखिए, खेती तो आप करते ही हैं, काम तो सब करते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उसको तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो आप काम करते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहली बात है कि गन्ने में अधिक पैदावार लेने के लिए आपको पहली जुताई MB प्लाउ से करनी पड़ेगी। गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में बहुत समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि पॉइंट वाइज हम आपको गिनाते हैं गहरी जुताई। दूसरी चीज़, सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चयन, कौन सा गन्ना हम लगाएं। देखिए, हर क्षेत्र के लिए जलवायु के हिसाब से अलग अलग गन्ने की प्रजातियां सर्वाइव करती हैं। मध्य प्रदेश में कुछ और हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा सर्वाइव, कुछ उत्तर प्रदेश में और है। तो जो वैरायटी जहाँ पे सर्वाइव कर रही हो और सेलेक्टेड प्रजाति की हो, स्वीकृत प्रजाति की हो, उसे आप लगाएं। तो गहरी जुताई, सिलेक्शन ऑफ सीड, उचित बीज का चयन। दूसरी चीज, गन्ने में हरी खाद का प्रयोग। अधिक पैदावार लेने है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद सने बोगिया ठेचे का प्रयोग करें। तीसरा बिंदु है गोबर की खाद। अगला स्टेप है कि जो आप रासायनिक खाद देते हैं उसे उपलब्ध फार्म में बदलने के लिए जैविक खादों का प्रयोग, जैसे PSP कल्चर है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, अजोटोवैक्टर्स है, असीटोवैक्टर्स है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें जो रासायनिक खादों को उपलब्ध फार्म में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है, ज़मीन को भुरभुरी बनाने के लिए सबसॉइलर, प्लाउ, क्रॉस कल्टीवेटर, रोटावेटर आदि का अवश्य उपयोग करें। दूसरी चीज़, नाली से नाली की दूरी 4 फीट 4.5 फीट 5 फीट तक रखें, 5 फीट से ऊपर तभी रखें जब आपके पास ड्रिप हो। और इन सब बिंदुओं पर ध्यान दें, स्वस्थ बीज का ही चयन करें, 8 से 10 माह के गन्ने की ही बुआई करें। आधार बेसल डोज सही से दें, क्योंकि बेसल डोज अपनाने से पौधा सशक्त और मोटा होता है, उसमें टिलरिंग अच्छी होती है। दूसरी चीज़, यूरिया के साथ नीम के खली का प्रयोग करें और पोटास, फास्फोरस, जिंक को किसी भी खाद के साथ मिलाकर कदाप में डालें। जिंक अंतिम जुताई के बाद 10 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करें। दूसरी चीज़, सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनाएं, गन्ने को तंदुरुस्त बनाने के लिए खाद फेंकें नहीं, खाद को जड़ के पास ही। अधिक उत्पादन है, 2 आंख का टुकड़ा काटें और गैप फिलिंग करने के लिए हर चौथी या पांचवी नाली में गन्ना थोड़ा सा घना लगा दें। जब गन्ना आपका 35 से 40 या 45 दिन का हो जाए तो उसे आप उखाड़ करके जहां गैप है वहां लगा के पैर से दबा के और ऊपर से कैंची से उसकी पत्ती को काट दें। बीज उपचार अवश्य अपनाएं, सीड ट्रीटमेंट से गन्ना निरोग होता है और तमाम तरह के बीमारियों से ही बचता है। सूखी बुआई अपनाएं जिससे अंकुरण अच्छा हो, हल्की सिंचाई करें, जमीन में नमी बराबर बनाए रखें। देखिए, ड्रिप सिंचाई अपनाकर पानी की बचत आप कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन, देखिए इरिगेशन का मतलब यह है, सिंचाई की परिभाषा ही है, वाटर इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन इन टू द सॉइल इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। तरीकेदार सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई, तो अगर आपके पास ड्रिप है तो ड्रिपर का प्रयोग करें, स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, 120 दिन तक खरपतवार को बिल्कुल नियंत्रित रखें। हल्की मिट्टी चढ़ाएं जिससे कल्लों की संख्या को बढ़ाएं, भारी मिट्टी चढ़ाएं, गन्ने की संख्या को नियंत्रित करें और गन्ने में परिवार नियोजन अपनाएं। गन्ने में भारी मिट्टी 120 दिन पर चढ़ाते समय गन्ने में 60,000 गन्ना प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए और गन्ना काटते समय 40 से 45,000 गन्ना एक एकड़ में होना चाहिए।
सही समय पर सभी आवश्यक कार्य करें जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। अगर 40 से 45 हज़ार गन्ना होगा, एक गन्ना आपका एक किलो का बनेगा 450 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होगा, दो किलो का बना तो 900 हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब, काम तो आप करते ही हैं लेकिन सही बिंदुओं पर ध्यान दे करके तरीकेदार काम करके गन्ने की अधिक से अधिक पैदावार अपना। हम शैलेश कुमार शर्मा, गन्ना प्रबंधक, आप सबको नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, फिर मिलते रहेंगे।